नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल विशाल टेक में। हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और कमाल की होने वाली है। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी इंसान ने अपनी प्रोफाइल को लॉक कर रखा है तो आप उसकी प्रोफाइल कैसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये एक आईडी जिसको इसने लॉक कर रखा है, तो ना मैं इसकी प्रोफाइल पिक्चर अभी देख सकता हूँ, ना कवर फोटो, और ना फिर मैं इसका अबाउट में जाकर इसकी डिटेल देख सकता हूँ। तो गाइस, आजकल काफ़ी सारे लोग अपनी प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं ताकि कोई अननोन पर्सन जो उनकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वो उनकी डिटेल्स ना देख पाए। तो आज की वीडियो में आप कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करके आप किसी की भी प्रोफाइल को देख सकते हैं। चाहे उसने प्रोफाइल को लॉक कर रखा है, फिर भी आप उसकी प्रोफाइल फ़ोटो या सारी डिटेल्स आप आराम से देख पाएंगे। सो गाइस, अगर आप भी ट्रिक को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है तो बिल्कुल स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले गाइस, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। मेरे 10K सब्सक्राइबर अभी अभी पूरे हुए हैं, तो जिसने मेरा सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लो ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं आपको तुरंत के तुरंत देखने को मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए गाइस, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद इसमें आपको अपनी फेसबुक की आईडी लॉगिन कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा फेसबुक लाइट आपको देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर मैंने अपनी एक आईडी खोल रखी है। सेम आईडी आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेनी है। तो इस आईडी का आप नाम देख लीजिए। ये वाली आईडी जो है आपको देखने को मिल रही होगी, जो अभी लॉक्ड हो रखी है और उसकी कुछ डिटेल्स हम देख नहीं पा रहे, तो अभी मैं इसको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। तो चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह की कुछ लिंक आपको देखने को मिल रही होगी, जहाँ पर लिखा हुआ है m.facebook.com। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और ये वाली लिंक आपको कर लेनी है कॉपी। ये कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इस लिंक को दोबारा से करना है पेस्ट। जैसे ही आप यहां पेस्ट करेंगे तो आपके सामने लिखा आ जाएगा m.facebook.com। आपको यहां m के बाद लिख देना है बेसिक, देख सकते हैं। आपको डॉट के बाद नहीं लिखना, m के बाद आपको यहां पे लिख देना है बेसिक, देख सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं। सो बेसिक लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद आपको कर देना है सिंपली सर्च। सर्च करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो देखिए गाइस, इस तरह से हमारी फेसबुक जो ओपन हो जाएगी। सो गाइस, इतना करने के बाद आपका जो काम है वो ख़त्म हो गया है। अब आपको जिस आईडी की डिटेल देखनी है आप उसका यहाँ पे नाम सर्च करना है आपको। जैसे आप नाम सर्च करेंगे उसकी आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ आपको सर्च करके। आपको यहाँ पर कर देना सिंपली सर्च वो वाली फेसबुक आईडी जिसकी आप डिटेल देखना चाहते हैं लॉग्ड अकाउंट होने के बाद भी। तो चलिए आपको यहाँ पर उसका नाम सर्च कर देना है। तो गाइस, जिस आईडी की हमें डिटेल देखनी थी उसका नाम हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद देख सकते हैं काफ़ी सारी आईडी यहाँ पे ओपन होके आ गई हैं। तो आपको उस वाले को चूज़ करना है जिसको आप डिटेल देखना चाहते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ। सो देख सकते हैं ये रही आईडी। सो गाइस, देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया तो हमारी आईडी जो है ओपन हो गई है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। आप यहां से फ़ोटो भी देख सकते हैं। देख सकते हैं फ़ोटो पे जैसे क्लिक किया आप यहां से फुल फ़ोटो देख सकते हैं। ये कवर फ़ोटो है। आप यहां से प्रोफाइल पिक्चर भी यहां से देख सकते हैं कि इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं यहां पे इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं गाइस, कितनी कमाल की ट्रिक मैंने आपको बताई है। इसका इस्तेमाल करके आप किसी की भी लॉग्ड प्रोफाइल की डिटेल देख पाओगे और बहुत ही आसानी से। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।